इधर से इधर से इधर इधर से देख लो, सही है। सही है, टेढ़ा कैसे घुमाता ना पकड़ के। अब कर किधर टेढ़ा है मुझे बता। ऐसे, अरे फोन पकड़ के मत क्या कर यार। अब सही है, देख ले और चालू है। ये झील पिघलने लग गई है। ओ भाई यहाँ तो आते हैं लोग। ये देखो एक्टिविटी करने की। ना ये बर्फ के पहाड़। यहाँ देखो यहाँ से किसक किसक के आती है बर्फ। ये बर्फ की पहाड़ियाँ, बर्फ की पहाड़ियाँ, बर्फ की पहाड़ियाँ, बर्फ की। ये पहाड़ी सबसे खतरनाक है। कितनी फीट होगी? 10-15 फीट है, 15 फीट के आसपास होगी भाई। ये तो 15 फीट से ज़्यादा है, 15 से 20 फीट के आसपास होगी, है ना? घंटा कर दिया यहाँ पे। वो ये बर्फ की पहाड़ियाँ ऐसे मेरी मुंडी ऊपर करके चलवाएगी तुम भी। थोड़ा ऊपर कर दूँ, सही है क्या अभी? क्या हुआ? ये क्या रन जलान जलने लगे क्या अभी से? अभी तो वो खाइयां बाकी है, गहरी गहरी खाइयां, लेकिन बर्फ कम हो जाएगी सर। अब इतना डेंजर रहा नहीं है। उस दिन देख तो हमारा पहला दिन भी था। सही है बहुत सही। अब कहाँ से निकालूँ?
आगे टैक्सी टैक्सी जा रही है, आज ये ट्रक वाले की वजह से टैक्सी भगा नहीं पा रहे है ना, आगे ट्रक वाले है ना, कहाँ जाएंगे भगा के। ये ट्रक वाले ये तो सही काम करते हैं, क्या पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल रखते हैं और ज्यादा। अब ये कार वाले कंट्रोल में है, जहाँ चल रहे हैं वहीं चल रहे हैं बस, आगे आगे निकालने का ये नहीं है अभी हमारे पास। खाइयाँ स्टार्ट हो गई, जो जीरा जो जीरा। ये कितनी काली हो गई, ये काले कलर की ऊपर ऊपर से मिट्टी आ रही है ना, क्या कर लूं हैं, मैं भी कर लूं हैं, मैं भी कर लूं टच, कर लूं तू नीचे टच कर लेगी फिर कीचड़ को, मैं बर्फ को टच करूंगा तू कीचड़ को टच करेगी। ओह माय गॉड, ये तो खतरनाक ही पत्थर डाले हैं। हाँ तो आएंगे सही ना, मम्मा मम्मा री दूध की कटोरी, दूध में अंडा हमें ने मारा डंडा। निकल जाएंगे क्या? अच्छा क्या हो गया, हो जा निकल जाएगी क्या, निकल जाएगी क्या? ये गाड़ी वाला आगे ले रहा है, फंस गया बैग, निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी कर रही, मैंने बोला तो फंसेगा बैग। वो कपड़ा देखो, तुझे फाड़ दूं मैं ला ला ले 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 ले। ये ऐसे बंद करके बैठा हुआ, खराब हो गया मुझे लगता है। खराब हो गया, वाह कोई बात नहीं, ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमें। सुंदर और सुंदर, कभी ये चीज सुंदर लगती है, कभी ये चीज डरावनी लगती है। एक साथ दोनों तोड़ने लगेगी, कभी मौसम अच्छा होता तो सुंदर लगती है, कभी मौसम बुरा होता तो डरावनी लगती है। नहीं, नहीं,
गाड़ी का इंजन टकरा रहा है नीचे। माजी रे माजी माजी यहाँ तो मिट्टी है, यहाँ तो मिट्टी है, यहाँ तो मिट्टी है, यहाँ तो मिट्टी है, यहाँ तो जबरदस्त वाली मिट्टी, जबरदस्त वाले पत्थर, ऊपर बर्फ, बीच में पत्थर, नीचे मिट्टी। पिसलने वाली मिट्टी है। लेकिन एक बात है, बाइक का टायर अच्छा है, मतलब पिछला नहीं बिल्कुल भी, बस एक जगह स्लिप मारा वहाँ पे तो भयंकर वाली बर्फ थी, इसलिए नहीं तो कहीं बाइक का टायर पिछला नहीं है ना। बहुत सारी बर्फ में से भी निकले हम, बहुत से कीचड़ में से भी निकले हैं, इसकी नहीं क्या फिर। तो यार 140 सेंट, हाँ कम तो बहुत कम हो गए, जून आते आते बहुत कम हो जाएगी, देखना। बहुत सारे वीडियो में से देखते तो हैं, कुछ नहीं पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं जो जिला के। थोड़ी पीछे खिसक पूजा, हाँ ठीक है। नीचे भी देखते चलना, शॉर्टकट रास्ता भी है देखो, चलो वो देखो ना, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता बर्फ से बंद है। जाओ 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 जाओ, वो ट्रक वालों ने अच्छा कर कर कहा, रोक रखा सबको। ये बर्फ है, ऐसा लग रहा ना बर्फ के पत्थर है या पत्थर ही है, बर्फ के पत्थर है। ये व्हाइट वॉल, नेचुरल व्हाइट वॉल, सफेद दीवार, गाड़ी आ रही है। ये गाड़ी तो काम खराब करती है। इधर ढलान ज्यादा ना, इसलिए पानी ज्यादा बहता नहीं है, डायरेक्ट नीचे कूद जाता है। उधर ढलान कम है तो पानी रोड रोड पे बहता है ज्यादा। आज इतने नहीं भीगे लेकिन, हम आगे थे ना एक्चुअली, पीछे से कार आई थी और ऊपर से पीछे थे, लेकिन यहाँ से आगे हो गए थे, ये जो रुका रखा था वहाँ पे, और ट्रैफिक भी ज़्यादा था उसमें। आज ट्रक ज़्यादा है, उस दिन कारें ज़्यादा थी, पैसेंजर ज़्यादा थे उस दिन।
क्योंकि वो 10 दिन के अटके पड़े थे ना, ट्रक वालों को तो छोड़ा ही नहीं था। कहाँ से निकालूँ पानी के अंदर कुछ पता नहीं चलता, गिरने के बाद पता चलता है कि अरे बड़ा था। अब तो उतर गए, अब नहीं। अभी तो है वो खड़ी चढ़ाई है, तो है सर ढलान होगी, ढलान। यहाँ तो मैं साइड नहीं दूंगा, तो चाहे बू बू करता ही रहे। हाँ इधर ले लेना साइड, यहाँ पे इतनी स्पीड से वो आ ही नहीं सकता कि हमें क्रॉस कर देगा। इतनी स्पीड से आएगा तो खुद आगे निकल जाएगा। बोल दिया, मुझे भी तो बता दिया कर, अपने हिसाब से बोलती रहती है। ट्रैफिक पुलिस आगे आगे चलाने वाले को तो पता होना चाहिए। इंटर हो गया जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में इंटर हो गया। हाँ बस ये उतरते कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली। कितनी सारी वैलियाँ पार करके आ गए। चलने दे, ये लास्ट है वैसे वीडियो बनाने का। इसके बाद तो क्या ही बनाएंगे। तो कश्मीर कश्मीर है ना, यहाँ तो बहुत हरियाली है कश्मीर में, तो बहुत तरह के पेड़ है कश्मीर में, तो सेब बादाम सबसे ज़्यादा वनस्पति है शायद कश्मीर में ना, चेंजिंग अलग अलग प्रकार के है ना। लद्दाख में तो कुछ नहीं था, वो वैली वैली में देखो यहाँ तो पूरे पूरे पहाड़ रहे हैं बर्फ वालों को छोड़ के। ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ
इसका काम है। क्योंकि खुला ही था ना उस टाइम में, धूल उड़ने लगी है तो चढ़ाई भी थी ना, गए थे तब तो चढ़ाई भी तो थी। पीछे के सबके बैठ निकाल लूँ क्या, मिट्टी है यार। चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी। डेंजर जो तो नीचे उतरेंगे तब खत्म होगा। ये देखो शेष नाक की तरह बना हुआ है। ये मजदूरों वाले से कितनी खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है वो बेचारा। कश्मीर तो है कन्याकुमारी, आगे गए होंगे, आगे गए होंगे, कल आए थे बहुत सारे, नहीं तो वो सबसे आगे निकल गए होंगे। उनका टूर पूरा नहीं हुआ होगा यार, हमारे जैसे थोड़े ना भागते भागते आए। गाड़ी के ब्रेक पैड घस गए, ब्रेक पैड डलवाने पड़े। चाहते चाहते सर्विस तो होगी सही ना वैसे भी, क्योंकि 4,000 वापस आके करवा लेंगे। अभी तो कौन सा चला रहे हैं हम,
हाँ उससे कम में नहीं पड़ गया, इतना एक्सपेक्टेशन तो थी सही यार, इससे तो ज़्यादा ही थी। पीछे होके बैठ के बैठ ठीक है। अच्छा तो पैरों से पकड़ रखा मुझे, इसलिए लग रहा मुझे। ये ट्रक वाला की बोतल था कि ये धीरे धीरे चल रहे हैं पीछे पीछे। उतर गए खड़ी ढलान। उत्तर तलाई, उत्तर तलाई कहाँ बेटा, उत्तर तलाई उत्तर तलाई से कौन लिख सुन आगे, उत्तर तलाई तो बीकानेर बाड़ में, उत्तर तलाई कौन सी आ गई है फिर, उत्तर तलाई है बाड़मेर में या बीकानेर में है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में कोई उतर लाई है ही नहीं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं पता तो बोल दे नहीं पता। हाँ सुना है मुझे, मुझे भी सोचने में मजबूर हुआ पड़ा था कि नॉर्थ ईस्ट में है या इधर, नाम ऐसा है ना, उतर लाई ये एयरपोर्ट है, मतलब एयरफोर्स है यहाँ पे उतर लाई। आप निकल जाने दे सनास, थैंक यू। वैसे ज़्यादातर ट्रक वाले परेशान नहीं करते छुटका जी, उनको पता है ना कि मैं कब तक रोकूंगा इनको, ये तो आगे तो निकलना ही है इनको, तो जैसे जगह मिलती है दे देते। सेकेंड मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस ये ना, जो उतरती हुई घाटी होती है ना, इनमें ब्रेक फेल होने का सबसे ज्यादा डर होता है, क्योंकि इंजन नहीं चलता ना उतना ब्रेक, और कंटिन्यू ब्रेक लगा रहेगा तो गर्म होता है, और गर्म होके फिर फेल हो जाता है, इसीलिए ढलान में सबसे ज़्यादा ब्रेक फेल होने के कारण होता है। ए भाई मुंडा सर की गाड़ी का हो गया था वहाँ पे, कहाँ पता है वो है ना, वो कौन सी नदी रिवर है दो की, उसमें भी बहुत टाइम तक उतरना पड़ता है नीचे, तो गर्म होते ही ब्रेक काम करना बंद कर दिया, हैंड ब्रेक से गाड़ी रोकी उन्होंने, फिर घंटे भर तक वहाँ खड़ी रखी ताकि वो ठंडे हो, ठंडे होते वापस लगने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि पकड़ते नहीं है ब्रेक।
हाँ कर दो, मोबाइल निकाल लो, नीचे आगे।